द टीचिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे HSC CET ऑब्जेक्शंस के बारे में। तो इस वीडियो में हम फिफ्थ मॉर्निंग मॉर्निंग शिफ्ट की बात करेंगे और अगली वीडियोस में हम बाकी शिफ्ट की भी बात करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो कल आंसर की आ गई थी, उसमें जो है काफ़ी क्वेश्चंस जो है डाउटफुल हैं। तो हम फिफ्थ मॉर्निंग की बात करें तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तो ये है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चॉप इज अ स्टाइल ऑफ शॉल मैन्युफैक्चर्ड इन हरियाणा, और बी है दिस शॉल स्टाइल इज ऑल्सो नोन एज फुलकारी। तो आंसर की में ऑप्शन टू दिया हुआ है, ओनली ए, तो जो कि गलत है। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन फोर, जो कि बोथ ही एंड बी। तो इसकी यदि हम प्रूफ की बात करें तो आप विकिपीडिया पर जाकर चेक कर सकते हो और बाकी सारी कई सारी वेबसाइट्स हैं तो उन पर भी आप चेक कर सकते हो। ये फुलकारी का जो आर्टिकल है इसमें भी आप देख सकते हैं, फुलकारी रेफर्स टू द फोल्क एम्ब्रॉयडरी ऑफ द पंजाब। तो इसमें अगर मेन लाइन की बात करें तो इसमें जो हाईलाइट की हुई है तो देख सकते हैं, द ट्रेडिशनल वेराइटीज ऑफ फुलकारीज आर लार्ज आइटम्स ऑफ क्लोथ एंड इंक्लूड चॉप। तो इसमें आप पूरा भी आप पढ़ेंगे तो आपको इसका पूरा जो है प्रूफ मिल जाएगा, तो आप इस वेबसाइट का भी प्रूफ दे सकते हैं, बाकी और कई सारी वेबसाइट्स उस पर भी ये प्रूफ आपको मिल जाएगा, लेकिन ये विकिपीडिया का प्रूफ है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिगार्डिंग टू द अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर पहली स्टेटमेंट थी पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट फॉर पार्ट थ्री। दूसरी बी था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। सी था द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल वंस पास्ड नीड द असेंट ऑफ द प्रेजिडेंट। तो ये ABC थे तीन। तो इसमें आंसर की में ऑप्शन फोर दिया हुआ है जो कि ओनली सी है, जो कि गलत है, और करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन टू जो कि ए एंड सी। तो इसके प्रूफ की यदि बात करें तो हमारी पहली स्टेटमेंट क्या थी, पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट फॉर पार्ट थ्री। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आप प्रूफ में देख सकते हैं पार्ट फोर में नो अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें ब्रैकेट में दिया हुआ इंक्लूडिंग द प्रोविजंस ऑफ पार्ट थ्री मेड टू हैव बीन मेड अंडर दिस आर्टिकल। तो ये स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है, पार्ट थ्री में अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग। तो जो अमेंडमेंट होता है वो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसमें ये स्टेटमेंट क्लियरली दी हुई है। तो ए हमारी ठीक हुई। इसके बाद है ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। तो इसमें बात करें तो इसमें टू में दिया हुआ है एन अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन में बी इनिशिएटेड ओनली बाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ बिल फॉर द पर्पज इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो बी स्टेटमेंट गलत है भाई, उसमें लिखा हुआ है लोकसभा, लेकिन इसमें किसी भी सदन में हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो बी स्टेटमेंट गलत हो गई। तो इसमें यदि बात करें तो इसी सेकंड पॉइंट में भी लास्ट में लिखा हुआ है इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेजिडेंट वू शैल गिव हिज असेंट टू द बिल। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो इसमें यदि बात करें तो भाई करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए और सी, ये करेक्ट है इसमें। तो ये दो ऑब्जेक्शन है इस शिफ्ट में, बाकी सारे बिल्कुल ठीक है। कोई और क्वेश्चन मिलेगा तो आपको विद प्रूफ जो है वीडियो में बता दिया जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।